फरुखाबाद के मोहल्ला सेनापत निवासी पूर्व सभासद सुधांशु दत्त द्विवेदी से होली का जिक्र छिड़ा तो वह उत्सुक हो उठे और अपने जमाने की होली के बारे में क्या कुछ बताया है यह इस वीडियो में आप देख पाएंगे। उन्होंने बताया आज से 20-25 साल पहले होली का त्यौहार किस प्रकार से और किन किन उपकरणों के माध्यम से मनाया जाता था। प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है रंगों का त्यौहार होली। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है भाजपा नेता पूर्व सभासद सुधांशु दत्त द्विवेदी ने पीपीएफ लाइव से खास बातचीत के दौरान। 7 और 8 तारीख को होली का त्यौहार आने वाला है। आज की होली और आज से 20-30 साल पुरानी होली में कितना अंतर हुआ है आपके हिसाब से? आज से 20-25 वर्ष पहले जो होली का स्वरूप था उसमें बहुत ही हुड़दंग हुल्लड़ होता था। लोग रंगों की जगह पर बहुत सी ऐसी चीजें, नाली का कीचड़, गोबर, मल आदि का भी इस्तेमाल करते थे, जिस पर इस समय जिला प्रशासन की सख्ती से या समाज में संस्कार पैदा होने से ये चीज अब बहुत ही कम ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। ये पूर्णतया शहरों में बंद हो गया है। पिचकारी आजकल सब प्लास्टिक की और चाइना मेड चल रही है, पहले समय में किस प्रकार की पिचकारी हुआ करती और किस प्रकार के रंग हुआ करते थे? पहले ज्यादातर लोग पिचकारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हाथ से बना लेते, बांस से अपनी पिचकारी तैयार करते थे और उसी से बाल्टी में रंग घोर करके रंगों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोहे की पिचकारी, स्टील की पिचकारी, पीतल की पिचकारी बाजार में, भारत में ही अपने देश में ही निर्मित पिचकारियों का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद इस समय मौजूदा जो पिचकारियों का स्वरूप है वो मेड इन चाइना है, विदेशी हैं, वो केवल एक पर्व पर ही इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद वो स्वयं ही टूट जाती हैं और उनकी रिपेयरिंग भी संभव नहीं है। पूर्व में ये होता था कि यदि एक बार बच्चे अपनी पिचकारी बाजार से खरीद कर ले आते थे, दोबारा होली पर उन्हीं पिचकारियों की छोटी मोटी थोड़ी बहुत मरम्मत करके उसका दोबारा उपयोग कर लिया जाता था, लेकिन वर्तमान पिचकारी जो चाइना मेड है वो यूज एंड थ्रो है, एक ही पर का इस्तेमाल होता है और वो नष्ट हो जाती है। फूलों से भी रंग बनाने की कुछ बात कही जाती है। हाँ, पहले टेसू के फूल पानी में एक दिन पहले ही भिगो लिए जाते थे, उससे जो रंग निकलता था वही रंगों का इस्तेमाल लोग रंग चलाने में, पानी वाले रंग जिन्हें कहते थे उसमें इस्तेमाल करते थे, नील का प्रयोग होता था। इस तरीके से स्वनिर्मित रंगों का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। आजकल देखा जा रहा है कि होली या किसी भी बड़े त्यौहार को लोगों ने शराब आदि से भी जोड़ दिया है और एक मुख्य हिस्सा बन गया है। जब तक शराब आदि का सेवन नहीं करते तब तक होली या किसी भी त्यौहार को पूर्ण नहीं मानते, उस पर क्या लगता है और पहले क्या होता था? जी, बहुत से लोग इस हुल्लड़ में अपने को नशे में डुबो करके ही त्यौहार मनाना गर्व समझते हैं। इस पर जिला प्रशासन के द्वारा एक दिन या दो दिन पूर्व ही शराब के ठेकों को बंद कर देने से इस प्रवृत्ति पर भी बहुत कुछ अंकुश लगा है और जो हुल्लड़ी होते थे, जो नशा करके शराब पी करके जो समाज में अशांति पैदा करते थे, उनको भी रोकने में प्रशासन बहुत कामयाब हुआ है। होली का पर्व एक सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। कोई किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो या आम नागरिक हो, साधारण व्यक्ति हो, एक दूसरे के माथे पर रंग लगाना, एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाना, एक दूसरे से गले मिलना, ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, यही
इस त्योहार की विशेषता है, महत्ता है। आजकल जैसे बच्चे पिचकारियों से खेलते हैं, और जो 20 से 25 साल पहले स्कूलों में किस प्रकार से होली खेलते थे? छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में आलू को काट कर और उसमें उल्टे चाकू की नोक से अक्षर उकेर कर, जैसे चोर है, पागल है, या इस तरीके के स्लोवंश उस आलू पर कुरेद करके और उन्हें स्याही से एक दूसरे के क्लास में एक दूसरे की शर्ट पर लगा करके होली का लुत्फ उठाते थे, आनंद लेते थे। और इस त्यौहार में और चार चांद छोटे छोटे बच्चे लगाते थे। अगर व्यंजनों की बात करें तो किस प्रकार के, आज बाज़ार में काफ़ी प्रकार के पापड़ और मिष्ठान आदि आ गए, पहले घरों में क्या क्या बनता था और क्या क्या अब लुप्त हो गया? होली के पर्व पर, होली के त्यौहार से एक सप्ताह पहले प्रत्येक घर में आलू के चिप्स, आलू के पापड़, बेसन के सेव, चावल के सेव, ये साबूदाना के पापड़ घरों में महिलाएं ये अपने घरों में ही स्वनिर्मित बनाती थी, और आने वाले मेहमान जो कि होली पर घरों में एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे को होली की बधाई देने के लिए आते थे, उनको उनका आनंद लेने के लिए परोसा जाता था और एक स्वनिर्मित चीज़ों को खाने का अपना विशेष आनंद था। बनाना भी महत्वपूर्ण था और खिलाना भी महत्वपूर्ण था, उसमें होली की एक त्यौहार की एक नई सुगंध महसूस होती थी और हर्षोल्लास के इस त्यौहार में और चार चांद लगते थे। पहले एक, चूँकि ये काफ़ी हंसी मजाक का भी एक पर्व है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के मोहल्लों में 20-25 साल पहले टोपी उतारना, अंगोछा उतारना, पिन लगाना, और उस व्यक्ति से जिसकी टोपी उतारते थे या अंगोछा जिसका लेते थे उससे 1-2 रुपये चंदा लेना भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। इन छोटी छोटी हरकतों से भी इस त्यौहार में और हर्षोल्लास बढ़ जाता था। इसके साथ ही होली पर पहले लोग चंदा नहीं करते थे, कोई कंडे देता था, कोई भागा पतेल देता था, कोई अपने खेत में हुई सरसों की तोरी देता था, मक्के का मकड़ेरा देता था, इन सबसे पहले होली का सृजन होता था, होली बनाई जाती थी। अगर किसी का कोई पेड़ सूखा है तो उस पेड़ की सूखी डाल वो अपनी होली के लिए दे देता था। इसके अलावा भी कुछ ऐसा भी होता था, अगर किसी का पेड़ किसी ने देख लिया तो उसको चोरी छुपे काट करके होली पे डालना भी बड़ा शगुन लोग महसूस करते थे। आपको हमारी अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें और न्यूज़ इंटरव्यूज लाते रहेंगे। नमस्कार।